क्या लगा था तुम्हें? किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। बस पापा साहब को जेल जाने से रोक रही और मैं अपने पापा साहब को क्यों जेल जाने जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं। अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर। हाय गाइस, वेलकम टू IW एम्बेसडर। और आज हम बात करने वाले हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मेरे बलम थानेदार की, जहां आप सभी देखेंगे कि फिर नाराज हुए वीर बुलबुल से। बुलबुल के रिश्तेदार में बाल विवाह की वजह से सभी घर वालों पे लग गए हैं आरोप और वीर को सभी घर वालों को करना पड़ा अरेस्ट। वहीं बुलबुल डैड को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन वीर उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। जहां बुलबुल एक तरफ काफ़ी ही डर गई है उसका सच सभी के सामने आने से, अब देखना यह है कि शो में क्या नए ट्विस्ट आएंगे। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारी के लिए देखते रहिए IW एम्बेसडर। क्या लगा था तुम्हें? किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। बस पापा साहब को जेल जाने से रोक रही और मैं अपने पापा साहब को क्यों जेल जाने जबकि उन्होंने कुछ किया भी नहीं। तो सीधा एड्रेस दिलवा दिया उन्हें और कितने माने दोगी? कितने माने दोगी और उनको जेल जाने से रोकोगी बता? ज्योति हुआ, फूफा जी, सही, हम सबको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है और पापा की जब मेडिकल रिपोर्ट सही आएगी ना तो उनको भी सरेंडर करना पड़ेगा। तब उनको पुलिस उठाकर जेल लेकर जाएगी, अरेस्ट होंगे वो, तब क्या बहाना दोगी? बोलो, बचा लो क्यों? इस देश के कुछ नियम कानून हैं जो सारी आवाम हर एक इंसान पर लागू होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो उन्हें वो नियम कानून फॉलो करना होता है। हमने से किसी को भी या फिर बुआ साहब के परिवार में से किसी को ये बात ना पता कि नंदनी भाभी साहब नाबालिग, ये तो ना इंसाफी। अनफेयर, लाइफ इज अनफेयर। मैं अपने फादर को बहुत प्यार करता हूँ, उनको मानता हूँ और मेरा ये बात उनसे बेहतर हो कौन जान सकता। मैं अपने फादर से, अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा रिश्ता भी उतना ही गहरा है। मैं तेरे कुछ भी कर गुजरता हूँ ना, लेकिन उनको जेल नहीं जाना। Thank you.